Hi, today we are going to learn operation on set. The operation on set using Venn diagram or directly bhi hum ise learn karenge. To Venn diagram actually a mathematician the John Venn. Unhone isko izad kiya tha. To universal set represented by rectangle. To universal set kya hota hai ki wo set jisme sare elements exist kare. Theek hai, jo bhi aap elements soch sakte hain jinka set ban sakta hai to wo यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंटेड होंगे कंबाइंडली. अदर सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, या फिर सेट ऑफ सम एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर कोई सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 थ्री एलिमेंट्स उसमें हैं और इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक सर्कल लेंगे और उसमें एक रेक्टेंगल लेंगे, उसमें एक सर्कल बना देंगे और ये सर्कल जो है एक्चुअली ए को रिप्रेजेंट करेगा जो सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2, 3. तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये इसका सेट है. अब फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन. तो यूनियन क्या कहता है, अगर एक्स और वाई टू सेट्स हैं तो इनका यूनियन क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट सच दैट एक्स एक्स को भी बिलोंग करे और वाई को बिलोंग करे, मतलब एक्स और वाई दोनों के एलिमेंट्स उसके यूनियन में एग्जिस्ट करने चाहिए. तो एज्यूम कर लेते हैं एक्स इक्वल टू 1, 2 और 3 और वाई इक्वल टू 2, 3, 4 और 5. तो एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट जो दोनों में एग्जिस्ट करें, दोनों में एग्जिस्ट करें और इंडिविजुअल भी एग्जिस्ट करके, क्योंकि और लगा हुआ है, जैसे 1, 1 तो होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और उसके बाद और x बिलोंग टू y. तो x बिलोंग टू y मतलब 2 ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, 3 भी लिख रखा है, 4 और 5. तो ये x यूनियन y मतलब x को भी बिलोंग करे और y को बिलोंग करे. वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट एज्यूम करेंगे u, इसमें x लिखेंगे, ये x है और x क्या है, 1, 2, 3 एलिमेंट्स इसमें, और y में 2, 3 है, मतलब कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे से कॉमन है तो हम इसे यहाँ ओवरलैप कर देते हैं. तो ये x हो जाएगा, ये y, और इसका यूनियन ये पूरा से जो हम कलर कर रहे हैं या सेट कर रहे हैं, ये पार्ट x यूनियन y को शो करेगा. फिर आता है इंटरसेक्शन. तो यही एलिमेंट्स लेते हैं एक्स और वाई, और इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू एक्स दैट बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स बिलोंग टू वाई, मतलब इन दोनों को जो बिलोंग करे वो, इसमें जो दोनों में कॉमन हो. तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 एंड 3. 2, 3 यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2, 3 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको एक्स इंटरसेक्शन वाई. और वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर x, फिर y, और इनमें कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 और 3 एलिमेंट्स को. फिर आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में अगर x कोई सेट है और y अनदर सेट है, तो इनका डिफरेंस क्या करेगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू x बट डज नॉट बिलोंग टू y. तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x इक्वल टू हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट्स ले लिए, और y इक्वल टू हमने ले लिया 3, 4 एंड 5. तो x माइनस वाई क्या होगा, जो x को बिलोंग करे बट y को नॉट बिलोंग करे. तो इसमें ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो x को बिलोंग कर रहा है बट y को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो देखिए 1 और 2 जो है वो x को बिलोंग कर रहा है बट y को बिलोंग नहीं कर रहा है. 3, 4 जो है x को तो बिलोंग कर रहा है बट y को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए 3, 4 इसमें ऐड नहीं करेंगे. तो x माइनस वाई क्या कर रहा है, 1, 2. और इसको वेन डायग्राम से शो करने पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. ये आपका x है और कुछ पार्ट कॉमन है, तो इसमें x इंटरसेक्शन y है, बट x माइनस वाई क्या होगा, जो सिर्फ x को बिलोंग करे, मतलब यहाँ से सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है. तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू, अगर हम देखें y का पार्ट जो है इसमें हट जा रहा है पूरा पूरा, और सिर्फ x का वो पार्ट आ रहा है जो y
को ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आ रहा है। फिर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर इक्वेशन देखें, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं, एक्स माइनस वाई यूनियन ऑफ वाई माइनस एक्स। तो इसको अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये अगर एक्स है और ये वाई है, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, ये वाला पार्ट, और वाई माइनस एक्स क्या होगा, ये वाला पार्ट। इसका मतलब जो कॉमन है वो चीज़ इसमें नहीं आएगी, बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसका एक एग्जांपल ले लें, एक्स इज इक्वल टू मान लो 1, 2, 3, 4 और वाई इक्वल टू 3, 4 और 5। तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, आप वो एलिमेंट हटा दो जो कॉमन है। तो कॉमन क्या क्या है, 3, 4, तो इसलिए वो सारे एलिमेंट जो कॉमन हैं वो हटाने के बाद क्या बचा, 1, 2 और 5। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू एक्स यूनियन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स यूनियन वाई और माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है कि जैसे आपका ये कोई सेट ए है, ठीक है, तो ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके अलावा, इस ए सेट के अलावा सारे पार्ट जो है ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है, मतलब यू माइनस एक्स, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर एक्स में अगर आपने एज्यूम कर लिया ए इक्वल टू 1, 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट्स, चाहे वो करेक्टर्स हों, चाहे इंटीजर्स हों, चाहे रियल नंबर्स हों, जिसमें 1, 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सारे जो है ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशन ऑन द सेट। थैंक यू।